है जोगर्स पार्क में जो अभी तक मुजफ्फर साहब ने जो किया है बहुत बढ़िया है। गार्डन का ये सुविधा, ये वॉकिंग के लिए, दौड़ने के लिए ये सब हो गया, जिम का काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया है। अभी आपको जो यहाँ जो डेवलपमेंट दिखता है वो सब मुजफ्फर साहब की वजह से डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले यहाँ सब मिट्टी और कीचड़ रहता था, चलने में तकलीफ होती थी, मॉर्निंग वॉक में इवनिंग वॉक में तकलीफ बहुत होती थी। अभी जो टाइल्स बिठा है सब, इधर सुविधा जो बनाया वो बहुत बेहतरीन है और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मेयर रोड के लोग लेते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक को यहाँ आते हैं और स्वास्थ्य के लिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें तीन रास्ता है, एक जो बगारी चप्पल, दूसरा रनिंग के लिए, तीसरा जो सीनियर सिटीजन जो रोड इसके ऊपर जो टाइल के ऊपर चलता है, ये बहुत ही अच्छा है। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है पार्क में पिछले 4-5 साल से। अच्छा ग्राउंड बना दिया और ओपन जिम भी बनाया जिसमें से पब्लिक, काफ़ी पब्लिक आके यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। एटमॉस्फियर भी बहुत अच्छा हो गया। आई बीन अ रेगुलर विजिटर टू दिस पार्क फॉर द पास्ट 3 ईयर्स नाउ एंड देर हैज़ बीन अ वर्ल्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट। हैट्स ऑफ टू द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दिस पार्क, स्पेशली अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूट टू श्री मुजफ्फर हुसैन एंड विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, नॉट जस्ट इन द नियर बट ऑल्सो इन द डिस्टेंट फ्यूचर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच मीरा रोड में इतना अच्छा जॉगर्स पार्क है। आप देख सकते हैं कि मुजफ्फर सर के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। पार्क में ग्रीनरी भी है, इवन सभी तरह के लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेज है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन से लेकर बच्चे लोग सभी इंजॉय करते हैं। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितना अच्छा हो सकता है हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि प्रॉपरली जो है इस पार्क को हम लोग नीट एंड क्लीन रख सकें। हाँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं सब सही लोग, योगा करते, अच्छा लगता है। मुजफ्फर साहब ने सब बनाया है उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। मुजफ्फर हुसैन सरांनी जे का इथे सगळं डेव्हलपमेंट केलं आहे ते खूप छान वाटतं आहे आणि इथून खूप लांबून लोक येतात, त्यांना फायदे होतात म्हणूनच इथे येतात आणि सगळ्यांना हेल्थ सगळं चांगलं इम्पॉर्टंट वाटतं ह्या एन्व्हायरमेंटमुळे, सो खूप छान वाटतं इथे। आम्हा यंगस्टर्सला या जिमची खूप हेल्प होते, आम्ही वर्कआउट करायसाठी जिमसाठी काही जणांना फायनान्स नाही मिळत पॅरेंट्सकडून, तर आम्ही इकडे जे आता ठेवलेलं आहे त्या तिकडे आम्ही यूज करतो। तर सध्या खूप यंगस्टर्स इकडे अट्रॅक्ट होत आहेत या पार्कमध्ये, मुजफ्फर हुसैन साहेबांनी खूप चांगलं केलेलं आहे आमच्या यंगस्टर्ससाठी। मुजफ्फर हुसैन जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम 30 साल से यहाँ पे हैं मिया रोड में और 30 साल से देख रहे हैं उन्होंने आजू बाजू में हिंदू मुस्लिम ईसाई के लिए सबके लिए शमशान घर बनाए और बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाजू में जॉगिंग पार्क बनाया, इतना बड़ा जॉगिंग पार्क है, पहले एक ट्रैक था फिर दो ट्रैक, फिर घास पे चलने के लिए भी बनाया और बाजू में फुटबॉल अपना वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, अंदर सब मशीन लगा, जिम के लिए मशीनें लगा दी है और इतना अच्छा लग रहा है। मतलब उन्होंने इतने काम किए इधर मिया रोड के अंदर कि कोई नहीं कर सकता है ना कोई करेगा, और उन्होंने सिर्फ पब्लिक के लिए काम किया है। हमारे गुरुद्वारे में भी आते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और हमेशा मतलब मदद करते हैं, भाई क्या चाहिए, आपको क्या तकलीफ है, और ये हमेशा मतलब उनका जो बड़प्पन है वो हिसाब से वो सबके लिए करते हैं। मैं तो ये जोगर्स पास में लगभग 4-5 सालों से आ रहा हूँ, रेगुलर हूँ और पहले के कंपेयर में अभी काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट जो है, देखिए पहले हम लोगों के लिए एक दौड़ने के लिए ट्रैक था लेकिन ये सेंटर ट्रैक नहीं था, अभी एक वॉकिंग के लिए सेंटर ट्रैक बनाया है, बाकी टाइल्स वगैरह भी काफ़ी मेंटेन हुआ है। लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट ये है कि एक ओपन जिम बनाया है जो यहाँ पे पहले कोई प्रावधान नहीं था जिम वालों के लिए, अभी एटलीस्ट ओपन जिम कुछ तो कर सकते हैं। बॉक्सिंग के लिए उधर लगाया है वो भी अच्छा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अभी मेंटेन है ये जोगर्स पार्क, ये नए नए प्लांट्स भी काफ़ी लगाए गए इधर। पहले एकदम छोटा सा सिंगल ट्रैक था, वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने एकदम बड़ा ट्रैक बना दिया, मतलब बरसात में भी हम लोग आराम से चल सकते हैं और बाजू में घास का भी ट्रैक बना दिया। हाँ, काफ़ी सहमत हूँ उनसे कि जोगर्स पार्क काफ़ी लोगों को मदद करता है
यहाँ पे लाइक जिसको जिम जिम नहीं जाना है तो इधर आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मेरी एक खुद की एक तमन्ना थी कि जॉगर्स पार्क में एक ओपन जिम हो, और एक दिन मैं आया तो यहाँ पे लगा हुआ था, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इनसे सहमत हूँ कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन मेरा रोड। कहना चाहूँगा कि इधर विद इन 2-3 किलोमीटर थ्री या उससे ज्यादा या बोरली से लेके यहाँ तक कोई जॉगर्स पार्क है ही नहीं। हाँ, मैं खुद ही पूनम गार्डन से इधर आता हूँ, इधर का नहीं हूँ, करीब 2-2.5 किलोमीटर है वहाँ से मैं आता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ के जो कांग्रेस के जो MLC आई थिंक मुजफ्फर हुसैन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बट थोड़े बहुत छोटे मोटे जो चीज़ें हालांकि हमारे जो फीडबैक के बाद वो इन पे भी अमल करेंगे। सम ओवरऑल वी आर हैप्पी विद दिस बट सर्टन थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, तो डेफिनेटली तो इट्स अ वेरी गुड वर्क। सो आई हैव बीन अ विटनेस टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू दिस पार्क। इनिशियली इट वॉज जस्ट अ सिंगल ट्रैक एंड नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट टू अ 4 ट्रैक which is just incredible, and I wish to once again commend the contributions of Mr. Sayyed Muzaffar Hussain and all the people who have worked selflessly and tediously to ensure that this park becomes not just eco-friendly but also people-friendly.